देखिए राम सबके हैं, और जब राम सबके हैं कोई आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं अब अयोध्या में के गलियों में कोई भी गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देगी। देखिए ये नए भारत का नए उत्तर प्रदेश है। आपको पता होगा कि जनवरी में दुनिया की अनेक कंपनियां आई और वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो मिशन समिट रखा गया था, तमाम कंपनियां आई और अपने पूंजी लगा करके विदेशों के तमाम राज्यों के लोग यहां आ रहे हैं अपनी नौकरियां करने के लिए। इसलिए यह गलत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। कला है और कला को न तो किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखनी चाहिए और न किसी को भ्रमित करने के लिए मैं कला कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कला है तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के चैनलों के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग मुझे देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी यूपी के गोरखपुर में हैं और आपको बता दें कि गोरखपुर का योगी जी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में हम बात करें लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक है और हमारे साथ एक हास्य कॉमेडी करने के लिए और आप लोगों को हूबहू योगी जी की आवाज़ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवधेश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पीजी न्यूज़ में। धन्यवाद करते हैं पीजी न्यूज़ का और सभी दर्शकों को जय श्री राम। ये आपने जो योगी जी का सेम टू सेम वेशभूषा बनाया है ये आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया आई? देखिए जब सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सदर से सांसद हुआ करते थे तभी से मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उन्हीं के हाव भाव में रहना मुझे पसंद है। उन्हीं के हाव भाव में रहना आपको पसंद है। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक है, मान लीजिए जो दर्शक देख रहे हैं वो आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समझ रहे हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं? देखिए यह भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और ये पर्व हर 5 वर्ष में एक बार आता है। यह लोकतांत्रिक पर्व है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सभी नागरिकों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 1999 में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मात्र 1 करोड़ से सरकार गिर गई थी। इसलिए भाइयों बहनों एक एक वोट का बहुत महत्व है। मैं आशा करता हूँ आगामी लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपना जनादेश देंगे। अपना जनादेश देंगे लगातार अगर हम दर्शकों की बात करें लगातार जो ग्राउंड पर लोग देख रहे होंगे ये पूरा सेम टू सेम योगी जी की आवाज़ में ही बात करते हैं। राम मंदिर को लेकर देश में बड़ी आपकी चर्चा है, अगर इस पर हम बात करें तो बहुत सारे शंकराचार्य जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और लगातार बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किए। क्या क्या कुछ कहिएगा राम मंदिर को लेकर जो देश में माहौल है? लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचते हैं और 22 तारीख को उद्घाटन करते हैं, पूरा देश जो है यहां तक अगर विदेशों में भी बात करें राममय हो जाता है। क्या कुछ कहिएगा जो लोग वहां पर नहीं आए थे? देखिए राम सबके हैं और जब राम सबके हैं कोई आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ अब अयोध्या में के गलियों में कोई भी गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देगी। अब कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा। वहाँ पर राम राज्य स्थापित होने के लिए 22 जनवरी को श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है वह पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है कि भारत एक राम राज्य स्थापित करने जा रहा है। उसी का वो उद्घोष है। उसी का उद्घोष है।
देश में जो लगातार चर्चा होती है, आपके राज्य की अगर हम बात किया जाए, आपके सरकार की अगर बात किया जाए, तो बहुत सारे जो बेरोजगार हैं बच्चों, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। सब लोग हमेशा आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं, विपक्ष जो है वो रोज़गार को ही लेकर बात करता है। क्या कुछ कहिएगा, आपके नेतृत्व में कितना देश को रोज़गार मिल पाया है? देखिए, ये नए भारत का नए उत्तर प्रदेश है। आपको पता होगा कि जनवरी में दुनिया की अनेक कंपनियां आई और वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो मिशन समिट रखा गया था, तमाम कंपनियां आई और अपने पूंजी लगा करके विदेशों के तमाम राज्यों के लोग यहां आ रहे हैं अपनी नौकरियां करने के लिए। इसलिए यह गलत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आगामी चुनाव में जो जनादेश होगा उसको स्वीकार करना होगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जो ये आप साधु का रूप बनाए हैं, आपको मंदिर में रहना चाहिए, फिर आप क्यों सत्ता और राजनीति के लिए, राज के लिए बात करते हैं? देखिए, इस पर क्या कहेंगे? किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए उसके जो पौराणिक, जो पूरे पहले की जो विरासतें हैं उनको जीवित करने के लिए हमारे जैसे संतों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आना पड़ा मुझे। इसीलिए आपको आना पड़ा? बिल्कुल। इतना तेजी से आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, अगर कभी मुख्यमंत्री योगी जी अगर आपको बुलाकर मिलना चाहेंगे, क्या कुछ कहिएगा योगी आदित्यनाथ से? क्योंकि आप एकदम सेम टू सेम योगी आदित्यनाथ की तरह ही बोल रहे हैं, तो अपनी आवाज़ में योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सुबह के मुख्यमंत्री जी हमको बुलाने का कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझूंगा और मेरी इच्छा यही है कि कभी उनके मन से मुझे भी भाषण देने का अवसर प्रदान हो। हाँ, ये आपकी दिली इच्छा है? बिल्कुल, मेरी यही इच्छा है। हाँ, यही इच्छा है आपकी कि उनके मंचों से हमको भाषण देने, उनके उपस्थिति में हमको भाषण देने का मौका मिले। हाँ, तो लोग ये तो भ्रमित हो जाएंगे कि योगी जी बोल रहे हैं कि ये अवधेश जी बोल रहे हैं, तब आप वहाँ पर कैसे लोगों को सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, ये कला है और कला को ना तो किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखनी चाहिए और ना किसी को भ्रमित करने के लिए मैं कला कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कला है तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के चैनलों के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग मुझे देखें। पाल है ये कि सुंदर सी बेटी आप देख रहे हैं, लगातार आपके ऊपर कटाक्ष होता है, आप मिमिक्री करते हैं योगी जी का, तो आप बेटियों के लिए क्या कुछ कहिएगा? बेटियां आपसे, लोग कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, और एक हमारे साथ ये सुंदर सी बेटी है, बेटी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नारी का सम्मान करना हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और बेटियों के लिए मैं कन्या सुमंगला योजना चला रखे हैं और बताना चाहता हूँ कि बेटियों ने देश के लिए क्या किया है। चार लाइनों से मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटियां घर के पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, अगर बेटियां घर में हो तो घर के दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने हमेशा घर का नाम ही रोशन किया है, वक्त पर मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर झांसी की रानी बनी है, इंदिरा बन समुचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बन करुणा की सागर बन गई है, जाके कल्पना चावला बन जाके नशा सितारे आसमां में बो गई हैं, बन ऐश्वर्य समुचे विश्व को जीत लाई हैं, साइना नेहवाल बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई हैं, सुन लता मंगेशकर के सुर सात समंदर डोलते हैं, अरे वो मूर्ख हैं जो बेटी को बेटे से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है माँ का रेशमी परिधान है, बेटियाँ भगवान की सबसे बड़ी वरदान है, बेटियाँ भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। जय नारी शक्ति, जय भारत,
जय संविधान। जब अभी इस वेशभूषा में आप बी पार्क में एंट्री कर रहे थे तो कितने लोग भय से आपके दूर दूर भाग रहे थे और कितने लोग ये समझ रहे थे कि सही सही योगी जी ही आ रहे हैं? बिल्कुल, उनको तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। मुझसे कई लोगों ने पूछा आप तो हूबहू योगी जी लग रहे हैं। मैंने कहा कितने लोग सेल्फी लिए योगी जी आपसे? बिल्कुल, रास्ते में तो अनगिनत लोगों ने हमारे साथ सेल्फी लिए, दो टुक बातें भी किए, आशीर्वाद भी लिए। आशीर्वाद भी लिए। बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम जगह से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और भर भर के आपको प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं तो ये तो सेम टू सेम मुख्यमंत्री योगी जी ही हैं। अगर कभी राजनीति में मौका मिले तो क्या कुछ कहिएगा और क्या कुछ करिएगा? देखिए, ये भविष्य की बात है। अगर लोगों का अगर जन समर्थन मिलता है, लोग चाहते हैं ऐसे युवाओं को राजनीति में मौका मिलनी चाहिए, जो आपके क्षेत्र के, आप किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के आवाज को संसद से, सड़क से लेकर सदन तक उठाने का कार्य कर सकते हैं। अगर जिस दिन दर्शक हमारे, लोग हमारे इस बात को समझ जाते हैं, अगर मुझे मौका देते हैं तो भविष्य में देखा जाएगा। अपना पूरा परिचय। मैं अवधेश कुमार साहनी गोरखपुर के रहने वाला हूं और इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आप लोगों का प्यार दुलार है और मैं आशा करता हूं जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वह हमारा समर्थन करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। ये हमारे साथ सूबे के असली मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो ये नकली मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये पूरा मुख्यमंत्री की तरह बोलते हैं और मुझे लगा कि ये वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाना चाहिए कि ये वाकई में मुख्यमंत्री की तरह बोलते हैं या नहीं बोल पाते हैं। आप लोग कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये मुख्यमंत्री जी की तरह बोलते हैं तो ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कृपा करिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।